एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आज का हमारा 6th लेक्चर होगा और इसमें हम लोग सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना। हमेशा की तरह एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हम आपको लिख लिख कर बताएंगे और ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप देख लीजिए यहाँ पर इसका फिगर है और टॉपिक का नाम है साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक और फैक्ट्स मतलब होता है विज्ञान की बातें। तो चलिए रीड करते हैं। टीचर कहती है, टीचर मतलब अध्यापक, इसको हम पढ़ेंगे टीचर। टुडे लेट मी टेस्ट योर नॉलेज इन साइंस। टुडे लेट मी टेस्ट योर नॉलेज इन साइंस। टुडे मतलब होता है आज, लेट मी टेस्ट, लेट मी मतलब होता है मुझे दो, मतलब कि मुझे करने दो, लेट मी टेस्ट मुझे चेक करने दो, टेस्ट करने दो। योर मतलब तुम्हारा, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। आज मैं आपके ज्ञान को चेक करूँगी या आज मुझे अपने नॉलेज को चेक करने दो, अपने ज्ञान को चेक करने दो इन साइंस। इन मतलब में साइंस मतलब विज्ञान के। तो अध्यापक कहती हैं बच्चों से कि आज मैं तुम्हारे विज्ञान के ज्ञान को चेक करूँगी, परखूँगी, देखूँगी। आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी मतलब कि क्या तुम तैयार हो। आ देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, क्या, यू मतलब तुम, रेडी मतलब तैयार, क्या तुम तैयार हो। चिल्ड्रेन, बच्चे कहते हैं यस सर, हाँ, यस मतलब होता है हाँ, सर मतलब श्रीमान जी, यस सर, हाँ श्रीमान जी, वी आर रेडी, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, हाँ श्रीमान जी हम तैयार हैं। फिर क्या होता है देखिए, टीचर कहती है हु कैन टेल मी एट व्हाट टेम्परेचर डज द वाटर बॉयल। हु कैन टेल मी एट व्हाट टेम्परेचर, व्हाट टेम्परेचर डज द वाटर बॉयल। क्या पूछ रही है, हु कैन टेल मी, हु मतलब कौन, कैन मीन सकना, टेल मतलब बताना, मी मतलब मुझे, कौन मुझे बता सकता है एट व्हाट टेम्परेचर, एट मीन्स पर, व्हाट मीन्स किस, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, किस तापमान पर डज द वाटर बॉयल, द वाटर मतलब पानी, बॉयल मतलब उबलता है, किस तापमान पर पानी उबलता है। क्या मुझे कोई बताएगा या क्या मुझे कोई बता सकता है कि किस तापमान पर पानी उबलता है। नैना, नैना कहती है सर द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। तो क्या बोलती है, श्रीमान जी या सर, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, बॉयल्स मतलब उबलता है, पानी कितने पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वो बताती है। फिर टीचर कहती है या टीचर कहते हैं जो भी हों, करेक्ट नैना, करेक्ट नैना, सही है नैना, करेक्ट मतलब बिल्कुल सही या सही है। एंड व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड व्हाट इज़ द
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मिस और व्हाट मिस क्या इज मीन्स है द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है जमने वाला तापमान. किस तापमान पर कोई चीज़ क्या होता है जम जाता है. ऑफ वाटर पानी का तो कह रहे हैं कि ठीक है सही है लेकिन और क्या होता है पानी के जमने का टेम्परेचर मतलब कि किस तापमान पर पानी जमता है. वरुण वरुण कहता है द वाटर फ्रीज्स एट 0°C. द वाटर फ्रीज्स एट 0°C. पानी 0°C पर जम जाता है. तो ये बताता है वरुण बताता है कि पानी 0°C पर जम जाता है. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टीचर कहती हैं करेक्ट अगेन दोबारा सही ठीक है फिर से सही है. विच गैस डू वी ब्रीद इन. विच गैस डू वी ब्रीद इन. विच गैस कौन सी गैस डू वी ब्रीद हम सांस लेते हैं इन मतलब अंदर. जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं. रमन बोलता है सर वी ब्रीद इन ऑक्सीजन गैस. सर वी ब्रीद इन ऑक्सीजन गैस. क्या कहता है हम सांस लेते हैं इन मतलब अंदर. जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं ऑक्सीजन गैस. सांस लेते समय हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं. ये बताता है कौन रमन बताता है. फिर टीचर कहते हैं राइट मतलब ठीक है. इसको हम पढ़ेंगे राइट सही है. एंड विच गैस डू वी ब्रीद आउट. एंड विच गैस डू वी ब्रीद आउट. और कौन सी एंड विच मतलब कौन सी और कौन सी गैस डू वी ब्रीद हम सांस लेते समय आउट मतलब बाहर करते हैं. सांस लेते समय हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं यह अब टीचर फिर से पूछते हैं. अमन कहता है सर वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सर वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. वी ब्रीद आउट हम सांस लेते समय बाहर निकालते हैं कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड. इसका क्या होता है फार्मूला CO2. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बाहर निकालते हैं सांस लेते समय. फिर अध्यापक पूछते हैं टीचर वेरी गुड मतलब कि बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया. नाउ टेल मी विच इज द लाइएस्ट गैस. नाउ टेल मी विच इज द लाइटेस्ट गैस. नाउ टेल मी अब टेल मी मतलब मुझे बताओ विच मीन्स कौन सी इज द लाइटेस्ट सबसे हल्की गैस कौन है. अब मुझे बताओ कि सबसे हल्की गैस कौन सी है. वरुण कहता है सर दैट गैस इज हीलियम. दैट गैस इज हीलियम वह कौन सी गैस है. दैट गैस वह गैस है इज हीलियम. हीलियम वह हीलियम गैस होती है जो सबसे हल्की होती है. सबसे हल्की गैस कौन सी होती है हीलियम गैस.
फिर टीचर कहते हैं राइट वरुण, बहुत सही, राइट मतलब सही, वरुण उसका नाम है, बहुत सही वरुण, नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच, नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, बाय विच प्लांट्स मेक दियर फूड, दियर फूड। क्या कहते हैं, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोसेस, वह कौन सी प्रक्रिया है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, बाय विच जिसके द्वारा प्लांट्स मतलब पौधे, मेक्स मतलब बनाते हैं, दियर फूड्स मतलब अपने भोजन। अब यह मुझे बताओ कि किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वरुण कहता है सर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस वह प्रक्रिया, इज मिस है, कॉल्ड मिस जानी जाती या बुलाई जाती, फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे भोजन अपना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्तियों में उनके क्लोरोफिल होता है, उससे क्या करते हैं वो ज़मीन से जो है पानी लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और ऐसा भोजन बनाने के बाद वो क्या करते हैं, भोजन बनाते समय वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अंदर ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इसीलिए पौधे जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। फिर टीचर कहते हैं राइट वरुण, सही है वरुण, ऑल ऑफ यू हैव गुड नॉलेज, ऑल ऑफ यू हैव गुड नॉलेज, ऑल ऑफ यू तुम सभी लोगों के पास है, मेरे पास गुड नॉलेज बहुत ही अच्छा ज्ञान है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, तुम लोगों के पास बहुत ही अच्छी जानकारी है। इन साइंस विज्ञान में तुम लोगों के पास विज्ञान की बहुत ही अच्छी जानकारी है। कीप इट अप चिल्ड्रेन, कीप इट अप चिल्ड्रेन, बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही अपनी जानकारी बढ़ाते रहो, टीचर कहते हैं बच्चों से। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, आपको टॉपिक कैसा लगा, इसमें आपने क्या क्या सीखा, एक बार हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। इसमें आपने सीखा कि जो कौन सी गैस होती है जिसे हम सांस लेते समय अंदर लेते हैं, तो वो होती है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस होती है जो हम सांस लेकर बाहर निकालते हैं, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इतना सारा विज्ञान का भी नॉलेज लिया और एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग आप लोगों ने सीखा और ट्रांसलेशन करना भी सीखा। वीडियो कैसी लगती है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगती है, और कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो वो भी कमेंट करके बताया करिए, या अगर कोई आपके पास सजेशन हो जो मुझे आप बताना चाहते हैं कि हम इस तरह से करें तो और अच्छा होगा, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि पसंद आई है या नहीं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है,
जैसे क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द वाटर फ्रीज, पानी किस टेम्परेचर पर जमता है, तो आपने पढ़ा था किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। विच गैस डू वी ब्रीद इन, कौन सी गैस हम सांस के लेते समय अंदर लेते हैं, तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन होती है, हीलियम होती है। तो ये सारी जानकारी भी हम लोगों ने आज लिया है। आई होप पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।